भारतीय नौसेना ने एंटी शिप मिसाइल उड़न का सफल परीक्षण किया। बता दें कि इसका सफलतापूर्वक परीक्षण नौसेना के पश्चिमी बेड़े ने अरब सागर में किया है। नौसेना की 3 महिला पायलट डोर्नियर विमान उड़ाएंगी। ये 3 महिला पायलट नौसेना के पहले बैच में शामिल है। ब्राजील में कोरोना वायरस के चलते 1,54,000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई। कोरोना मरीजों की मौत के मामले में अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरा सबसे प्रभावित देश। हत्यापहरण मामले पर दोषी होने के बाद अमेरिका में करीब 67 साल बाद किसी महिला को मौत की सजा सुनाई गई है। उइगरों पर किए गए चीन के अत्याचार दुनिया के सामने आ गए हैं। बता दें कि इसको लेकर बीजिंग की आलोचना करने वाले देशों में कनाडा का नाम शामिल हो गया है। अनिल अंबानी की कंपनी ने कोरोना संकट के बीच कमाल किया है। सितम्बर तिमाही में कंपनी को करीब 105 करोड़ का मुनाफा हुआ। दिल्ली की हवा जहरीली बन दी जा रही है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 391 पर पाया गया। पाकिस्तान में सेना और पुलिस आमने सामने हो गई है। सीमा पर गृह युद्ध के हालात निर्मित हो गए हैं। मिर्जापुर 2 वेब सीरीज आज से सभी OTT प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को मिलेगी। वहीं रिलीज डेट की एक दिन पहले इस सीरीज का पहला एपिसोड दर्शकों के लिए जारी किया गया था। सिंगर नेहा कक्कड़ अपनी शादी रचाने के लिए दिल्ली पहुंच गई हैं। नेहा ने परिवार संग एक वीडियो शेयर किया जो खूब वायरल हो रहा है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।